हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बीएम शर्मा और आज हम सॉल्व कर रहे हैं रीट इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि L1 STC वाले अभ्यर्थियों के लिए था। सेक्शन 2 में लैंग्वेज 1 इंग्लिश, और इसका पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं टू फ्री द स्लेव द चेन्स हैड बीन रिमूव्ड। द चेन्स हैड बीन रिमूव्ड पैसिव में वीडियो को हटा दिया गया था, जंजीरों को हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है द कन्विक्ट बाय द नेक टिल डेथ वॉज द वर्डिक्ट, यानी ये जो आदेश था न्यायालय का जिसमें कन्विक्ट दूसरी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना है, तो यहाँ पर आंसर रहेगा द कन्विक्ट इज टू बी हैंग्ड। ये भी एक तरह का पैसिव है, द कन्विक्ट इज टू बी हैंग्ड, ऑप्शन सी रहेगा 32 में। नेक्स्ट है 33, शी सेड टू हर सन व्हाट डू यू लाइक। द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस इज शी asked, ऑप्शन डी रहेगा इसमें, asked her son what he liked, ऑप्शन डी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं द फोनेटिक साउंड ऑफ द लेटर अंडरलाइंड इन द वर्ड टुगेदर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, तो इसमें ऑप्शन ए इसका उत्तर है, और ये सिंबल इन्होंने गलत बनाया है। ये द टुगेदर में द का सिंबल जो है वो इस प्रकार से बनता है। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज़ द करेक्ट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन में सही ट्रांसक्रिप्शन इनमें से रहेगा क्वेश्चन ऑप्शन बी क्वेश्चन, ये सही सिंबल्स हैं इसके। 36, लर्निंग इज मेड स्टेबल एंड एवर लास्टिंग इज मेरिट ऑफ, लर्निंग को स्थाई और हमेशा के लिए बना दिया जाता है, ये किस चीज़ की विशेषता है, कौन से टीचिंग मेथड की विशेषता है, तो ये विशेषता है कम्युनिकेटिव अप्रोच मेथड की, इसको हम ऑप्शन डी चूज करेंगे। 37 में प्रायोरिटी ऑफ रीडिंग इज द प्रिंसिपल ऑफ, रीडिंग के लिए प्राथमिकता कौन से टीचिंग मेथड में दी जाती है, तो रीडिंग को प्राथमिकता जो है वो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ए बी है डॉक्टर वेस्ट मेथड, सी स्ट्रक्चरल अप्रोच, डी कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसके ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में रीडिंग को प्राथमिकता दी जाती है। 38, इट स्टॉप्स पावर ऑफ थिंकिंग फ्रीली, स्वतंत्र रूप से चिंतन की शक्ति को यह रोक देता है, इज अ डीमेरिट, ये कमी है, कौन से मेथड की कमी है, कौन सा मेथड हमारे थिंकिंग पावर को कम कर देता है, वो है ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ऑप्शन सी। 39, बायलिंगुअल मेथड इंक्लूड्स, बायलिंगुअल मेथड में क्या होता है, दो भाषाओं पर काम होता है, ऑप्शन ए ट्रांसलेशन बाय टीचर्स ओनली टू एक्सप्लेन द मैटर, इसका ऑप्शन रहेगा। 40 में देखते हैं रिसेप्टिव स्किल्स कंप्रोमाइज, रिसेप्ट का मतलब होता है ग्रहण करना, नॉलेज को ग्रहण करना, तो यह लिसनिंग और रीडिंग ये ऑप्शन है, ये दोनों ही चीज़ें रिसेप्टिव हैं। 41, राइटिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड स्किल बिकॉज ऑफ, किस चीज़ की वजह से जो राइटिंग है लेखन है ये अधिक जटिल प्रक्रिया बन जाती है, इसमें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चरल थॉट्स, ये इसका ऑप्शन रहेगा। 42, लैंग्वेज गेम्स हेल्प, लैंग्वेज गेम मदद करते हैं, किस चीज़ में मदद करते हैं लैंग्वेज गेम, हमारी स्पीच को इम्प्रूव करने में, ए टू इम्प्रूव स्पीच। 43, असेसमेंट ऑफ ब्रॉड लर्निंग बिहेवियरल आउटकम्स इज अ फीचर ऑफ,
प्रोड लर्निंग विस्तृत रूप से जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, तो ये असेसमेंट मूल्यांकन किया जाता है समेटिव असेसमेंट में, जो कि लगभग 2.5 से 3 महीने बाद छात्रों का टेस्ट लिया जाता है सीसी प्रोसेस में, SA समेटिव असेसमेंट टेस्ट, योगात्मक आकलन जिसको कहते हैं, 44 में, विच वन इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीयर एवेल्यूएशन, छात्रों को समूह में मूल्यांकन किया जाता है, कौन सी उसकी विशेषता नहीं है, इफेक्टिव मॉनिटरिंग है, मेटा कॉग्निशन ये नहीं है, सेव्स टीचर्स टाइम, फास्टर फीडबैक, तो इसमें ऑप्शन बी चूज करेंगे। 45 क्लोज टेस्ट एवेल्यूएशन वॉज डिस्क्राइब बाय WL Taylor के द्वारा, ये डिस्क्राइब किया गया था क्लोज टेस्ट। अब 46 से 52 तक के लिए पैसेज हमें पढ़ना है। द मैसेंजर हैड नो आइडिया व्हाट ऑल दिस वॉज अबाउट, संदेश बात को कोई पता नहीं था कि ये सब क्या था। इफ किंग अविनाश मैन टू अटैक हिज किंग्स फोर्ट, यदि राजा अविनाश उसके किले पर आक्रमण करना चाहता तो देन ऑल वॉज लॉस्ट, तब सब कुछ बर्बाद हो जाता। वो किंग बहादुर वॉज ओल्ड एंड वीक, क्योंकि जो राजा बहादुर था वह बूढ़ा और कमज़ोर था। दीज डेज ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन प्रेयर, और इन दिनों में वह प्रार्थना करने में अपना अधिकांश समय व्यतीत करता था। आफ्टर मच थॉट, बहुत सोच समझ करके द मैसेंजर डिसाइडेड ऑन अ प्लान, संदेश वाहक ने एक योजना बनाई और उसने कहा, सर आई डू नॉट नो व्हाई यू आर सो एंग्री, मैं नहीं जानता कि आप क्यों इतने ज़्यादा नाराज हो। ही सेड ऑल आई नो इज़ दैट किंग बहादुर हैज़ गॉन मैड, जो कुछ मैं जानता हूँ वो ये है कि किंग बहादुर जो हैं वो पागल हो गए हैं। आई कैन नॉट वर्क फॉर हिम एनी मोर, मैं उनके लिए अब और काम नहीं कर सकता हूँ। आई डिसाइडेड टू द कोर्ट एंड वर्क एल्सवेयर, तो मैंने कहीं और काम करने का निश्चय कर लिया है। इफ़ यू विल टेक मी इन, यदि आप मुझे अपने राज्य में ले लेते हैं तो आई विल ग्लैडली वर्क फॉर यू माई लॉर्ड, वहाँ मैं आपके लिए काम करने में खुशी महसूस करूँगा। ये क्वेश्चंस देखते हैं हम, जैसे इन्होंने अटैक आक्रमण करना, अटैक तो इनवेड ऑप्शन सी है, इसका मतलब ही आक्रमण करना होता है। सिनोनिम यानी पर्यायवाची, सिनोनिम ऑफ मैड पागल, इसका पर्यायवाची होता है इनसेन बी। द एंटोनिम ऑफ एंग्री, एंग्री यानी गुस्से में, इसका विलोम शब्द एंटोनिम होगा काम शांत। 49 में देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा और कमजोर, इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, इसके लिए वन वर्ड होगा इनफर। 50 में द करेक्ट नाउन फ्रॉम द करेक्ट नाउन फॉर्म ऑफ डिसाइड, डिसाइड की नाउन यानी संज्ञा बतानी है तो वो है डिसीजन। 51 में द करेक्ट वर्ब फॉर्म ऑफ लॉस्ट, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, उसकी वर्ब यानी क्रिया वाली फॉर्म रहेगी लूज बी। 52 में द करेक्ट स्पेलिंग इज पैट्रियटिज्म देशभक्ति, इसकी सही स्पेलिंग है PATRIOTISM पैट्रियटिज्म देशभक्ति। क्वेश्चन नंबर 53 से 59 तक पैसेज में से लेंगे और पैसेज को हम रीड करते हैं। बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस, स्वतंत्र होने ने मुझे खुशी से भर दिया था। नाउ दैट माई चेन्स हैड बीन रिमूव्ड, अब की मेरी बीड़ियाँ हटा दी गई थी। आई कुड सी द कैपिटल सिटी, मैं अपने राज्य को राजधानी को देख सकता था। एवरीवन वाज ऑर्डर्ड टू स्टे इनडोर्स, हर किसी को अंदर रहने का आदेश दिया गया था। इन केस आई स्टेप्ड ऑन देम, अगर मैं उनके ऊपर चल करके जाऊँ तो दे गॉट क्रश्ड, और वे कुचल जाएंगे। द फर्स्ट बिल्डिंग आई सॉ एज आई स्टेप्ड ओवर द सिटी, जब मैं शहर के ऊपर से निकल गया तो पहली बिल्डिंग जो मैंने देखी थी सिटी वॉल वॉज द एम्परर्स पैलेस,
शहर की दीवार पर से देखी थी, तो वो एम्परर यानी सम्राट का महल था, पैलेस था। इट वॉज चार्मिंग, यह बहुत आकर्षक था। जस्ट लाइक अ बिग डॉल्स हाउस, एक बड़े से गुड़िया के घर की तरह आकर्षक था राजा का महल, पैलेस। आई हैड टू लाई डाउन टू लुक इनसाइड, अंदर देखने के लिए मुझे वहाँ थोड़ा लेटना पड़ा था। एंड एज द एम्प्रेस केम, और जैसे ही महारानी आई एम्प्रेस टू द विंडो, खिड़की पर, स्माइलिंग एट मी, मेरी तरफ मुस्कुराते हुए, शी गेव मी हर हैंड टू किस, उन्होंने किस करने के लिए अपना हाथ मुझे दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 से हम देखते हैं, विच पार्ट ऑफ स्पीच हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये होता है नाउन यानी संज्ञा, हैप्पीनेस खुशी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। 54, द एम्प्रेस केम टू द विंडो स्माइलिंग एट मी, हियर स्माइलिंग इज, स्माइलिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो महारानी मेरी तरफ मुस्कुराते हुए आई, कैसे आई, हाउ स्माइलिंग, यानी हाउ का जो रिप्लाई होगा वो एडवर्ब होगा हमेशा, व्हेन वेयर व्हाई हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होगा, कैसे आई, मुस्कुराते हुए आई थी। 55, बीइंग फ्री फिल्ड मी विद हैप्पीनेस, दिस सेंटेंस इज इन, कौन सा टेंस है, यहाँ टेंस पूछा गया है, फिल्ड सेकंड फॉर्म दी गई है तो वो पास्ट सिंपल में आती है। क्वेश्चन 56 में भी टेंस पूछा है, आई हैड टू लाई डाउन, हैड सेकंड फॉर्म है हैव की, ये भी पास्ट सिंपल में आता है। 57, शी गेव मी हर हैंड टू किस, इन दिस सेंटेंस डिटर्मिनर यूज्ड, डिटर्मिनर जो कि विशेषता बताता है संज्ञा की, नाउन की, वो डिटर्मिनर है हर, यहाँ हर डिटर्मिनर है, तो बी ऑप्शन को चूज करते हैं हम। 58, इट वॉज चार्मिंग जस्ट लाइक अ बिग डॉल्स हाउस, इन दिस सेंटेंस डिटर्मिनर यूज्ड इज, इस वाक्य में डिटर्मिनर कौन सा है, तो इसमें है बिग, बिग डॉल्स हाउस, बिग यानी बड़ा जो है वो घर की विशेषता बता रहा है, डिटर्मिन कर रहा है उसकी क्वांटिटी को। नाउ 59 पर आते हैं, फ्रीएस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ, फ्री की सुपरलेटिव डिग्री फ्रीएस्ट हो गई, सबसे ज़्यादा स्वतंत्र। द फार्मर फास्टन्ड द बुल टाइटली टू द स्टेक, किसान ने सांड को एक रस्सी के माध्यम से स्टेक या खूंटे से बांध दिया था। द करेक्ट क्वेश्चन फॉर दिस इज, इसके लिए सही क्वेश्चन क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में है, क्वेश्चन बनेगा व्हाट डिड द फार्मर डू, फार्मर ने क्या किया, ए ऑप्शन रहेगा इसमें। तो फ्रेंड्स, ये आपके आंसर की है रीट की, आंसर की कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट यू कैन गेट अ नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस, आपको नए मेरे जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।